हेलो राधे राधे, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आया हूँ मैं। याद किया था किसी ने? वफा ना रसाई तुझे ओ हरे जाई। अरे बहुत अजीब दिन गुजरे हैं, गुजर रहे हैं यार। और बताइए, बहुत दिनों बाद आया हूँ। वीडियो को फुल देखिएगा और देखिए, अकेला हूँ मैं, आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। वैसे ही भी अकेला हूँ मैं, कोई नहीं है। देखो कहाँ गए सब लोग, बहुत दिनों से गए हैं। वीडियो में बने रहें, एंड तक देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो प्लीज़ स्टे कंटिन्यू, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दिल से मैं बहुत दुखी हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मुझे, मैं सबको कर पा रहा। प्लीज़ लव यू गाइस, जो आते हैं थैंक यू सो मच दिल से, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बने रहे हैं आप, देखिए बहुत टाइम हो गया आपका। वैलेंटाइन डे कैसा रहा? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। मैं अब 14 फरवरी की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 14 फरवरी को मैं एंजल को और श्रेया को छोड़ के आया था उसकी नानी के यहाँ पर, और अभी मैं अकेला हूँ। ये 14 फरवरी से लेके अब तक वैलेंटाइन डे छोड़ो, और अब तो तेरा नाम धोखा रख दो, नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दो, नाराज होगी क्या? भाई धोखा ही गया, 14 तारीख को चली गई मैडम। उसके बाद तो अब तक हम अकेले ही अकेले हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा। वीडियो भी नहीं आप बना पा रहा था, शॉर्ट बना रहा था, उस पर भी नहीं आ रहे थे आप लोग। वाह, और जो आ रहे थे थैंक यू एंड आई लव यू। और आज है वो दिन जहाँ मैं जा रहा हूँ श्रेया और एंजल को लेने, मतलब उसकी मम्मी को लेने। तो प्लीज़ बने रहें, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मैप है मेरा जाने का, कैसे कैसे जाऊँगा। तो स्टे कंटिन्यू एंड वीडियो एंड तक देखना, बने रहना। बहुत दिनों बाद आया हूँ, प्यार दीजिए इस वीडियो को बहुत सारा। ओके अब मैं तैयार हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत सही से तैयार हो जाऊँ यार, सही से। मेट्रो से जाना है, ठीक है। ओए ओए भाई, पेट इतना बड़ा नहीं है मगर बाल बड़े हो रहे हैं, पेट नहीं बड़ा, बाल ज़्यादा बड़े हैं। तो अब ये सवारी चली है सब दूसरी सवारियों को लेने, नोएडा सेक्टर 62, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से है मेट्रो स्टेशन। उसके लिए मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, अभी मैं लॉक करने जा रहा हूँ। मास्क लगाना ज़रूरी है, दिल्ली में प्रवेश करने पे तो चालान है भाई, इसलिए। ओके ये है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आ चुका हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ से ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों के द्वारा, स्टेयर्स यूजिंग। यहाँ पर सेक्टर 62 में विक्रांत मैसी की शूटिंग हुई थी, एक मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने देखी थी उस शूटिंग को। शूटिंग के टाइम पर था मैं, बाई चांस छोड़ के ही आया था मैडम को, बट अभी अभी कोई शूटिंग नहीं हो रही, वो शूट याद नहीं आ रहा मुझे नाम, बहुत अच्छी लगी मेरी मूवी। ये देखो मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साकेत के मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ बहुत सारे कपल पाए जाते हैं, मतलब यहाँ कपल ही कपल होते हैं इस टाइम पर, या कभी भी यहाँ बैठे होंगे बाहर लगे होंगे, नोएडा लफाड़ी बहुत सारे मिलेंगे। भाई मैं चलता हूँ आगे संगम विहार की तरफ आगे। हेलो गाइस, मैं घर पहुँच चुका हूँ और यहाँ खाना खा चुका हूँ। और मेरा छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा मेरा मिल गया। और ये देखो शैतान की नानी, ये रही आपकी शैतान की नानी, नहीं हूँ मैं। जल्दी धीरे बोल बेटा, उसके कान में पापा। ये देखो इतनी तेज बोलती है, इसे कहा धीरे बोला करो, ये कान खराब कर दे बेटा। मेरा बाबू पापा पापा। तो मैं खुश हूँ मेरा बच्चा मुझे मिल गया, अब हम यहाँ से, और मैं भी खुश हूँ मेरे पापा मुझे आज मिल गए, और यहाँ से अब हम घर जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ? ठीक है, अब बहुत दिनों बाद मैंने देख रहा हूँ, आप भी देख लो,
वैलेंटाइन डे दिन से अब आए हैं। मेरा बच्चा, मेरा बाला, मेरा बच्चू, मेरा पोतू, टिन्नी और पिन्नी। ओके बने रहो गाइस। हम आ चुके हैं, गाड़ी बुक करके आए थे, ऊबर से की थी। और एंजल देखो आते ही आते खाने में लगी हुई है और एंजल खा रही है अब लड्डू और सामान। अभी देखो आया है, बिखरा हुआ है। और हमारा बच्चा, छोटा बच्चा अभी सो रहा है, ठीक है। बीच में नहीं बना पाया जब मैं गाड़ी में बैठा था। पहली बार श्रेया घर पे गई थी अपनी नानी के, तो वहाँ से कुछ कपड़े मिले हैं और मौज आई है श्रेया और एंजल की और उसकी मम्मी की। मेरे लिए कुछ नहीं है। चलो ठीक है, दिखाता हूँ आपको क्या करना है, देखिए और बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ क्या था, कौन से कपड़े अच्छे लगे, ये बताना है आपको, ठीक है नहीं। तो स्टे कनेक्ट, केडी शालू के ब्लॉग में बने रहें। देखो जी दुकान, ये एंजल के लस्कारा, क्या कहते हैं ये, देखो ये वाला शरारा टाइप का, ऊपर से ये कट का, ठीक है। ये पीस हो गया वन पीस, ठीक है जी। दो कपड़े हैं, एक ये गरम थे, उन्होंने ले रखे थे, ठीक है। और ये गरम कपड़े, ये नीचे का, ये गरम कपड़े पहले से ले रखे थे। ये बनाने दे दे, मैंने वहीं पर याद है, तुम भूल गए क्या, ये मैंने बनाया था इसी, ठीक है जी। ये हो गए गरम कपड़े और ये शायद छोटा हो जाएगा, शायद हो सकता है अभी ठंड में हो सकता है। और अब ये श्रेया, हमारा प्यारा बच्चा, पिंक ये मैं पसंद करके लाई हूं। मुझे लग रहा है ये शॉर्ट है, पैंट शायद आ जाए, ये पैदल चलने जब इससे बाद नहीं आ पाएगा, ये अभी आ पाएगा, जो आ पाएगा देख रहे हैं। देखो ये देखिए बताइए, और ये जस्ट अभी के लिए है कॉटन के, जो गर्मी में पहन लिए जाए, नेकर है और ये ऊपर की कट वाला है। दो एंजल, दो, ठीक है जी, ठीक है। ये भी एक एंजल का ये कैप दिया उन्होंने, ये देखिए प्यारा सा ये है एंजल का कैप, के साथ लिया था, मैंने बताया था ना, ले रखा है ये घर ठंड के कपड़े, अब गर्मी प्यारा से कहता है, ठीक है। तो ये हो गया और ये आपको बता दिया हमने, ठीक है जी। और कुछ है, ये देखो कान्हा जी की ड्रेस, मैं भी लाया था, हाँ, प्यारी प्यारी है, ठीक है जी। ये बताइए कैसी लगी, ठाकुर जी महाराज की जय। ये देखो 2 रुपए का रुमाल मेरे लिए आया है, और जूते तुम्हारे, देखिए पापा के जूते दिखा दे, तुम्हारे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, जूते देखो, ये देखिए ये जूते हैं। अरे भैया थोड़े बहुत टाइट आ रहे हैं मेरे, क्योंकि ये नंबर साइज थोड़ा मेरे हिसाब से छोटा है, ये छोटा है। तो ये आया है शूज रेड कलर का, पोलो कंपनी का, पोलो कंपनी, मगर ये 6 नंबर है और मेरे नहीं आ पा रहा। ये देखिए ये कुर्ता खरीद के लाई है मैडम अपने दोज के पैसों का, दोज लेके गई थी तो ये अपने पैसे डाली आई इसमें कुर्ते में। ये देखो, और इसके नीचे ये पैंट है, इसमें जेब है क्या पैंट में, नहीं पैंट टाइप का है ये, ठीक है। इसमें कलर नहीं दिख रहा होगा आपको थोड़ा सही, ठीक है। देखिए लाइट वैसे थोड़ा कलर दिख रहा होगा, थोड़ा और डार्क कलर है दिख रहा है इससे, ठीक है जी। तो ये तो भैया दोज का खरीद लाई, और ये ग्रीन कॉटन का ये कपड़ा है, इसे सिलवाना पड़ेगा, ये इनकी मम्मी ने दे दिया। इसका कलर तो यही है, थोड़ा डार्क दिख रहा है इसमें, थोड़ा उल्टा ही दिखता भैया कैमरे, ठीक है जी। देखिए जी ये चप्पल लेके आई है, ये इन्हें गिफ्ट मिल गई है, ये ठीक है जी। देखो जी मैडम के लिए ये मिला है पहनने के लिए, ये क्या कहते हैं भैया, लोवर ओवर जो भी कहते हैं भैया ये, और ये शॉल टाइप की, स्टॉल टाइप की है जो औरतें डाल लेती हैं कंधे पे, मतलब ठंड पे। और हमारा छोटा बच्चा देखो बीच में चिल्ला पड़ा है, उसको देख के हो जाए। तो भैया देखो ये काम हो गया पूरा, और बताए ना बने रहो, बताते रहना। देखो जी ये देखो मैडम कुछ कह रही हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और ये देखो इन्हें कह रही है बहुत अच्छा, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जो रक्षाबंधन के पैसे, ये रक्षाबंधन के पैसे, अभी जो पैसे थे इन्हें अपना सब खर्च कर लिए और ड्यू और कर दिया है, और धार करके आ गई हैं।
ये देखो ये इसके साथ ले आए हैं, ये देखो दुपट्टा इस साथ में, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं भैया सारे, ये डेली में निकलने वाले हैं सूट। और बताइएगा कैसा लगा आपको। तो आप देख रहे हो ये अपने पैसे जो पहले के बचे हुए पैसे कैसे औरतें जोड़ जाड़ के अपने ले आती हैं और ऐसे ले आई हैं बहुत सारे, दो मम्मी ने दिला दी, एक अपनी जगह से एडवांस में ले आई। पैसा जोड़ती नहीं है औरतें, कोई पैसे नहीं भाई, रक्षा भाई। कोई और पैसा जोड़ के नहीं रखती भैया कसम से। ठीक है बताइए कैसे कैसे लगे आपको बताइएगा। देखो ये मीठे में ये नमकीन दो तरह की लेके आई है, ये नमकीन दालमोट नहीं, दालमोट नहीं है, दालमोट ये अलग है, मिक्स नमकीन ये देखिए, और ये, और ये मिठाई में ये देसी घी के लड्डू बूंदी के जो मैडम को पसंद है वो अपने हिसाब से ले आई। देखिए कैसे लग रहे हैं कंगन, ये तो लाइट में दिखने काले से कैसे लग रहे हैं, काले नहीं है गोल्ड कलर ऐसी है, नग लगा हुआ है बताइएगा। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, ये हाँ ऐसे, ये देखो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ये मैडम को ही मिल रहा है भैया, हमें कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये 100 रुपीस का, ये देखिए ठीक है, ये इसलिए मेरे को दे दिया, ये गार्नियर कंपनी का, ये लो ये क्रीम दिए भैया, मास्क से ये लगाती रहती है मास्क, ये तीनों चीज, ये चारों चीज दोनों की तरफ से है, छोटे वाले भाई की तरफ से, ये छोटे से भाई ने इसके छोटे से गिफ्ट दिए हैं, ये कंपनी के प्रोडक्ट, ये एलोवेरा जेल वेल क्या क्या क्रीम, ये क्या चीज है, ये कंपनी का मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर बताइए, ये फैशन क्रीम है, जितना लगाओगे मुंह सड़ेगा, ये सन क्रीम है, और बताइए ये एंजल देखो थोड़ा बेकार करके आई थी, हाइलाइटर देखो ये अपने मामा का उठा लाइए क्योंकि खराब कर दिए थे हाइलाइटर, तो इसे ही पकड़ा दिए ये, क्योंकि ना खराब कर दिए सारे। देखो जी ये वाइपर लेके आई है किचन में यूज जो करते हैं स्लिप पर, और एक चीज और है अभी दिखाते हैं आपको, चलते हैं बाहर की ओर, बाहर रखा हुआ क्योंकि बहुत भारी चीज है, वो है 30 या 35 किलो अप्रॉक्स गेहूँ, सिलेंडर के पीछे आया था मेरे, ये गेहूँ है 30-35 किलो, इसके छानने का और सब कुछ करने का काम इसकी मम्मी का है। चलो भाई अब हम करते हैं रैप अप पैक अप, ठीक है वीडियो का, हमारा छोटा बच्चा हो रहा है, थोड़े छोटे बच्चे के साथ खेलेंगे इस वीडियो को, फिर मैं एडिटिंग करके डन करूँगा। तो KDG शालू के चैनल में आप आए हैं, थैंक यू सो मच, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं भी ऐसा ही करता हूँ जो मेरे साथ दे रहे हैं, मगर मेरा साथ बहुत कम लोग दे रहे हैं, कोई बात तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है, प्यार दीजिएगा अपने वीडियो को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारी बच्चे का प्यार दीजिएगा, तो बाय बाय, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।